हेलो एवरीवन, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम गाड़ी के अंदर। एक और कॉलेज, बहुत सारे बच्चे, ऐसा लगता है वहां जाके पता लगेगा बस। तो और बहुत सारे मजे आने वाले हैं। सिर्फ आज इस सेशन, इस ब्लॉग के अंदर सेशन नहीं होगा, सेशन के बाद आफ्टर पार्टी भी है, कॉलेज में नहीं है, बाहर है। बहुत सारे क्रिएटर से मिलने वाले हैं और आज शायद हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे बैंगलोर एयरपोर्ट पे जाते हुए। तो बहुत हेक्टिक डे है, पहले सेशन होगा, फिर हम एक इवेंट में जाएंगे, वहाँ पे कुछ बातचीत करनी है, फिर वहाँ पार्टी होगी और फिर वहाँ से बैंगलोर एयरपोर्ट। तो मजा बहुत आएगा ब्लॉग में, बहुत हैपनिंग ब्लॉग होने वाला ऐसा मुझे लगता है। तो मिलते हैं आपको कॉलेज के अंदर। बात तो ठीक है, लेकिन आज खुद ड्राइव करके जा रहे हो भाई? अरे तो अभी नई नई गाड़ी ली है, हिमांशु भैया दिखाओ। तो नई नई गाड़ी लिया, तो मैंने कहा कि भैया वो आप जो कैब भेज रहे हो, आप जो गाड़ी भेज रहे हो कॉलेज वालों, वो कैंसिल कर दो, हम ना अपनी गाड़ी में आए। हमें अपनी गाड़ी चलाने का ज्यादा मन कर रहा है आज, दैट्स व्हाई। क्या लगता है, बढ़िया रीजन है कि नहीं है? बच्चे बोलेंगे अरे खुद ही चला के आ गया भाई, प्यार है गाड़ी से इसलिए आ गए। हमारे कैमरा वाले भैया को थोड़ी सी छल्ली खानी थी भाई, भाई वहां पे नजारे ले रहे हैं, छल्ली ले रहे थे अभी, क्या बात। हम पहुंच गए शारदा, ये हमारी टेक्नोवा सोसाइटी के सारे हेड्स और भाई मजे आएंगे बहुत सारे। So, welcome at शारदा सर। थैंक यू सर। आपको बड़े चाहिए थे हमारे स्टूडेंट्स। थापर हो गया है? थापर भी सर दो दिन पहले हो गया है। मैंने आपका शेयर किया, मुझे प्रशांत राणा जी का रिप्लाई बैक, राणा सर से मिल के आया सर मैं, है ना, तो रील आई उनकी, व्हाट्सएप रील बनाई। हां जी हां जी, वी आर वेरी एक्साइटेड टू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेमिनार एंड वी आर वेरी बिग फैंस ऑफ हिज शो और चैनल एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ही पुट्स अपॉन द स्टार्टिंग से चैनल करते हैं, सब कुछ सारा कंटेंट फॉलो किया है, सारा वीडियोस देखा है लोगों ने और आगे भी सारा ही बढ़ना है और आगे बढ़ना है। बड़े से प्रोडक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर फीचर पकड़ा देंगे, छोटा सा प्यारा सा, कि बेटा ये काले कलर का है, इसको सफेद कर दो, ये सफेद है, इसको वापस काला कर दो। तो उस छोटे से फीचर को आपको दिया जाएगा, आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उस फीचर को इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंटेशन तो कोई भी कर सकता था ना, तुम्हारे में ऐसा खास क्या है? इंप्लीमेंटेशन में इस प्रकार करनी है कि वहां पर हम लो लेवल डिजाइन का प्रदर्शन कर रहे हो। जब मैं लो लेवल डिजाइन की बात करता हूँ, वहां पर तीन चीजें डिस्कस करता हूँ, डिजाइन पैटर्न्स, डिजाइन प्रिंसिपल्स और आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट। यस और नो? तो इन चीजों का प्रदर्शन हमें करना है, डिजाइन पैटर्न, डिजाइन प्रिंसिपल, ऊप्स कॉन्सेप्ट, इनको यूज करके मुझे वो कोड करना है। यहां पर टेस्ट केस पास नहीं कराने, यहां पर कोड इस तरीके से लिखना है कि मुझे तो समझ आ ही जाए, बट कल को अगर मैं कंपनी छोड़कर जाऊं, जो मैं चला जाता हूं, तो सामने वाले को जो अगला व्यक्ति आएगा उसको वो कोड समझ में आ जाए, रीडेबल कोड, मेंटेनेबल कोड। क्या बात समझ में आती है? तो कोड करना है, पर इन सारी चीजों को यूटिलाइज करते हुए। मेरी एक आदत है, मैं जितने भी कॉलेज के अंदर गया हूं, मैं इसको साथ लेके जाता हूं, ठीक है। और मैं, तुमने मोदी जी देखे हैं? वो मोदी जी जो होते हैं, वो बच्चों के बीच में जाते हैं 26 जनवरी, ऐसा कुछ देखा नहीं? तो वही मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा इसको लेके मैं जाता हूँ, पूरा बच्चों के पास घूम के आता हूँ। तो वही सेम हम रिपीट करेंगे यहाँ पे, पर उससे पहले, तुमसे पहले तुम्हारे टीचर्स को दिखाना ही बनता है।
चुके हैं शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हियर। मेरा बचपन का सपना था वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू बोलने का। पहला टास्क, आज का पहला इवेंट खत्म हो चुका है शारदा में, और अब तक हमने सबसे बड़ा ऑडिटोरियम देखा जितना हमने अब तक अटेंड किए हैं, और मजा बहुत आ रहा है। अभी सेकंड टास्क की तरफ जा रहे हैं, हमें निकलना चाणक्यपुर ताज, वहां पर एक क्रिएटर्स इवेंट है। उस क्रिएटर इवेंट में लक्ष्य भी आ रहा है, हिमांशु भाई भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, और बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ी सी टॉक वहां पर भी देनी है, और उसके बाद रात को निकलेंगे बैंगलोर की तरफ। तो आज की अपडेट तो इतनी काफी है मेरे हिसाब से, बाकी शॉर्ट्स जो भी होंगे आप एंजॉय करें या नहीं करें कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, और अभी निकलते हैं मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से जो भी रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं जनरली मुझे ये फील होता है कि उसमें ड्रॉप रेशियो ज्यादा होता है। अगर 100 बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तो आई थिंक 10 से 15 या 20 ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर पाए रिकॉर्डेड कोर्स, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक फाउंडर के साथ बैठा हुआ था, नाम नहीं ले सकता, तो उनका भी सेम ही परसेंटेज था 13% के अराउंड। और आई फील कि अगर लाइव क्लास है तो आप एक क्राउड के साथ, एक कम्युनिटी के साथ पढ़ते हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो कंप्लीशन रेट अगर मैं एक लाइव क्लास की बात करूँ या फिर एक कम्युनिटी या क्राउड के साथ पढ़ने की बात करूँ तो वो ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू रिकॉर्डेड कोर्स। ये छोटा सा आज के इवेंट के बारे में, बहुत सारा एंजॉय कर लिया, बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पे खड़े, सबसे बाय बाय करवाएंगे और बाय बाय कर लेंगे। बाय 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 बाय। यहाँ ये क्वेश्चन मारा है हिमांशु भाई, आपकी बारी। बहुत बढ़िया, अब यहाँ से हम निकलेंगे बैंगलोर एयरपोर्ट की तरफ और वहां पर आपको मिलेंगे फिर बैंगलोर के अंदर। धन्यवाद।